फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। असलेहान और तुर्गुत को बचाने यहां जरूर आएगा और फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए जैसा मैं कहूंगा वैसा ही उसे करना होगा। अर्तुरुल वहां से पैगाम मिलने के बाद चावदार कबीले की तरफ इस रास्ते से होते हुए जाएगा, तुम्हें यहाँ इस मकाम पर घात लगाना होगी। अर्तुरुल सरदार को बताना कि तमाम सरदारान की रजामंदी से चावदार कबीले का सरदार मैं बन गया हूँ और कल मैं इसी सिलसिले में बातचीत के लिए उन्हें अपने औताक में दावत दे रहा हूँ। आला, ये मक्तूब सारे दरवाजे खोल देगा मेरे लिए। ये क्या कह रहा है भाई? तुर्कुत भाई और असलेहान खातून को यरगमाल बना लिया है इन लोगों ने। तो इसलिए तुम्हारा सरदार बनने वाला वो मलून मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग गया था। जब हम यहां जंग लड़ रहे हैं उसने औताक पर मक्कारी से कब्जा कर लिया, हमसे गद्दारी की और बगावत का भी मुर्तकिब हुआ। उसे जाके बता दो कि अर्तुरुल सरदार औताक जरूर आएंगे लेकिन बातचीत के लिए नहीं बल्कि उसके हर जुल्म का हिसाब लेने के लिए आएंगे। याद रखना, इस बार वो मुझसे नहीं बच पाएगा। अब जाओ। भाई भाई, उसने असलेहान खातून और तुर्कुत भाई को कैद में रखा हुआ है, हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए था भाई। उस बदबख्त का पैगाम लाने वाले से कुछ नहीं होगा, जाने दो उसे ताकि वो बहादुर तक मेरा पैगाम पहुंचा दे और उसे पता चले कि उसकी मौत का फरिश्ता उसे जहन्नम वासिल करने आ रहा है। खैरियत तो है बेटा? बहादुर ने पैगाम भिजवाया है, तुर्कुत और असलेहान खातून को कैद कर लिया है उसने। क्या कहा? गद्दार मलून इंसान, जंग के ऐन दरमियान में वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? अर्तुरुल, एरिस से गठजोड़ कर लिया होगा उसने, सरदार आला बनने की ख्वाहिश में रियासत से गद्दारी कर ली है, मंजनीखें जलाने में भी उसका हाथ है वालिदा। गद्दारी उसकी रगों में दौड़ रही है लेकिन मैं अपनी तलवार से उस गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बमसी रवानगी की तैयारी करो। ठीक है भाई, जो आपका हुक्म। वालिदा, मेरी गैर मौजूदगी में मैयतों की तदफीन आर्तुक भाई देख लेंगे, शहीदों के लवाहिकीन को किसी लम्हे तनहा नहीं छोड़ सकते। आप भी उनकी खवातीन के साथ रहिएगा। बेफिक्र रहो अर्तुरुल, वहीं होंगे हम, उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए।
या रब, एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ जाती है। सरदार अर्तुरुल को कुव्वत अता फरमा। चावदार कबीले के रास्ते में हमले के लिए ये जगह बेहतरीन है। अर्तुरुल के आते ही पूरी ताकत से हमला करना है। वो इस हमले में जिंदा नहीं बचना चाहिए। सब अपनी जगह संभाल लें। आ जाओ अर्तुरुल सरदार, मेरी तलवार तुम्हारे खून में रंगने के लिए बेताब है। ले जाओ इसे। क्या हुआ? बहुत ही अहम मालूमात लाया हूं अर्तुरुल साहब। एक खुफिया दरवाजा है किले का। एरिस बादशाह को कासिद के जरिए एक मकतूब भिजवाना चाहता था। किले से वो कासिद निकलने वाला था कि उस कासिद को जान से मार दिया मैंने, और मकतूब आपके पास ले आया। माशाल्लाह। जो कुछ भी वो बहादुर साहब के साथ मिलकर करता आया है सब है इसमें। घात लगाकर हमले की तैयारी भी की है। शुगर है वक्त से पहले पहुंच गया मैं। यानी इसलिए उसने मुझे पैगाम भेजकर चावदार कबीले आने की दावत दी थी, ताकि घात लगाकर वो हमला करे हम पर। वक्त जाया नहीं करना है अत्सिस, हमें जल्द अज जल्द असलेहान खातून और तुर्गुत को उसके हिताब से आजाद करवाना है। उसका हिसाब उसके बाद चुकता करेंगे। वो कहां घात लगाकर बैठे हैं जगह जानता हूं मैं। वही रास्ता होगा जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। चावदार कबीले जाने का दूसरा रास्ता भी है। बमसी अब्दुल रहमान और मैं उसी रास्ते से चावदार कबीले जाते हैं। तुम बाकी जंगजुओं के साथ इसी रास्ते पर घाट में बैठे काफिरों को जहन्नुम भेज कर आओ। बेफिक्र रहें भाई, हम उन्हें उन्हीं के बिछाए हुए जाल में फंसा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गुनकुत, दुमरुल, एरिस के सिपाहियों को जहन्नुम भेजने के बाद फौरन चावदार कबीले पहुंच जाना। कुछ सिपाहियों से कबीले के अतराफ का घेराव करवाना और कुछ को औताक के सामने तैयार रखना। अत्सिस, घात में बैठे सिपाहियों से निमटने के बाद मुहासरा करने वाले दस्ते में शामिल हो जाना। चावदार कबीले में हालात काबू में होते ही हम तुम्हारे साथ होंगे। आज रात ही किले में दाखिल होंगे और आज रात ही किले को फतह करेंगे। सिपाहियों की तैयारी मुकम्मल रखना। अल्लाह हमारे लश्कर की हिफाजत फरमाए। आमीन। चलो सिपाहियों। या अल्लाह।
काश अर्तुरुल की मौत की खबर जल्द कबीले पहुंच जाए। अब मजीद इंतजार नहीं होता मुझसे। तुम इतनी परेशान क्यों हो? देर हो या सवेर, अर्तुरुल की मौत यकीनी है। आप खुद भी जानते हैं साहब, हकीकत तो यह है कि आप भी परेशान हैं, बल्कि मुझसे भी ज्यादा परेशान। तुम्हें जो कहना है खुल के कहो खातून, इस तरह पहेलियों में बात ना करो मुझसे। जो बात कहनी है साफ साफ कहो। साहब, अर्तुरुल की मौत आसान नहीं। अगर वो हमले से बच गया या उसे एरिस और आपके गठजोड़ का मालूम हो गया तो? अब तक जो कुछ होना था वो हो चुका है खातून। अगर वो एरिस के हमले से बचकर भी मेरी सरदारी तस्लीम नहीं करता तो फिर अर्तुरुल की मौत मेरे हाथों ही होगी। जिंदा नहीं बच पाओगे मुझसे। कुछ सिपाही इस तरफ आ रहे हैं लेकिन उनके साथ अर्तुरुल नहीं है। क्या मतलब क्या उनके साथ नहीं है अर्तुरुल? जनाब मेरी बात का यकीन करें, मैंने अच्छी तरह देखा है, अर्तुरुल नहीं है उनमें। वो यकीनन इस हमले को भांप गया होगा, इसीलिए सिपाही भेजे हैं। यकीनन दूसरे रास्ते से गया होगा वो। अब हमें क्या करना होगा? मार देना सबको। घोड़ा लेकर आओ मेरा, मैं जावदार कबीले जा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए अर्तुरुल नहीं बचेगा आज। आओ मेरे साथ। एक गद्दार के बाद दूसरा सामने आ जाता है। जिस किसी के साथ भी हम अच्छाई करते हैं वो शख्स उल्टा हमें ही नुकसान पहुंचाता है। अर्तुरुल ने बहादुर को दोबारा मौका दिया और उस पर एतमाद करते हुए उसे जिम्मेदारी दी, लेकिन उसने ये मौका भी जाया कर दिया और अब इसका खमियाजा वो भुगतेगा। असलेहान खातून और तुर्कुत भाई को कैद करके और ताक पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? कितना घटिया और बदबख्त इंसान है वो, मगर सजा भुगतेगा। अर्तुरुल उससे उसकी सारी गलतियों का हिसाब लेंगे। गुंदूस बेटा। वालिदा। हाँ गुंदूस बेटा, तुमने अपने भाइयों को तसल्ली दी? बिल्कुल वालिदा, मैंने अपने भाइयों को तसल्ली दी है। मैंने कहा किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। अच्छा किया बेटा गुंदूस, शाबाश, सलामत रहो। हफ्सा बेटी, क्या शोदा के साले सवाब के लिए खाना तैयार है? जी तैयार है वालिदा, देगे उतार कर खाना तकसीम करना है बस। बहुत खूब बेटी, अब हमें ताजियत के लिए चलना चाहिए। चलो आ जाओ बेटा। आ
हथियार फेंक दो अपने। हिम्मत है तो हथियार लेकर दिखाओ हमसे। हमला करो सिपाहियों, जवानों आगे बढ़ो, जिहाद का वक्त है ये, कोई भी बच के ना जाने पाए। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। इनमें चीतान मौजूद नहीं है, कहीं वो किले का खुफिया रास्ता बंद ना कर दे। घोड़ा लाओ मेरा, फौरन जाकर वो रास्ता बंद होने से रोकना होगा मुझे। चीतान को ढूंढना जरूरी है, मैं वहां अर्तुरुल साहब का मुंतजिर रहूंगा। तुम बहादुर को अंजाम तक पहुंचाओ और बाहिफाजत वापस पहुंच जाओ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अर्तुरुल साहब अभी तक नहीं पहुंचे। देर सवेर तो हो ही जाती है। अर्तुरुल ने जो जाल हमारे कबीले में बिछाए थे वो उसी पर उल्टा दिया आपने। इंशाल्लाह कोनिया की हिफाजत के लिए भी ऐसा ही करूंगा। अर्तुरुल की लालच और हिर्स और उसके बदनीयती पर मबनी इकदामात को सुल्तान मौसम तक पहुंचाऊंगा। सरदार, अर्तुरुल साहब दो सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ आ रहे हैं। फिर हमें सरदार आला का इस्तकबाल करना चाहिए। तशरीफ ले चलिए। एरिस के हमले से वो किस तरह बच निकला बाबा? ये क्या हो गया साहब? उसकी लाश के बजाय वो खुद कबीले आ रहा है। हो सकता है हमला हुआ ही ना हो। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ जानता होगा वो। पहले उसे औताक में बिठाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगर वो सब जानता भी हुआ तो ये औताक
उसकी कब्र बन जाएगा। संजार, किसी कीमत पर भी उसे हमारे इरादों का इल्म नहीं होना चाहिए। अपने गुस्से को काबू में रखना होगा, वरना यह औताक हमारी कब्र भी बन सकता है। समझ गए मेरी बात संचार? समझ गया बाबा। ठीक है कायतेकिन। हुकुम सरदार। तुम जाकर असलेहान और तुर्कुत की निगरानी करो, पूरी तरह तैयार रहना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अर्तुरुल और उसके सिपाहियों को देखकर लगता है कि हमला हुआ ही नहीं। आपको ही सूरत निकालनी होगी खुद को सरदार मनवाने की, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। अगर औताक में कत्ल किया तो सुल्तान भी दुश्मन हो जाएंगे हमारे। रियासत के खिलाफ बगावत की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी हमें। संजार कबीला बदर नहीं था बल्कि लश्कर तैयार कर रहा था बगावत के लिए। इसने खुद मौत की ख्वाहिश की है, हमें इसकी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। दो सिपाहियों के साथ हमारी तरफ ऐसे आ रहा है जैसे पूरा लश्कर साथ आया हो इसके। मेरी दावत पर आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। शर्फ है मेरे लिए अर्तुरुल साहब, तशरीफ लाइए। हम आपकी ही राह देख रहे थे। दस्तरखान तैयार है, उसके बाद बात करते हैं। तुर्कुत और असलेहान कहाँ है? परेशान ना हो आप, दोनों बिल्कुल महफूज हैं। जो बात जरूरी है पहले वो कर लें, फिर उन्हें भी बुला लेंगे यहां। तशरीफ लाएं। अब्दुल रहमान, यही मेरा इंतजार करना। जैसा आपका हुक्म भाई। सब खड़े रहे। तो अब बताएं मुझे, जब जंग पर था मैं तो मेरी निगरानी में लिए जाने वाले चावदार कबीले में क्या हुआ था? कबीले का एक अंदरूनी मसला था जो हल हो गया। मैं हक बजानिब सरदार बन गया, यही हुआ। तुर्कुत और असलेहान के बारे में परेशान ना हो आप, जैसे ही आप मेरी सरदारी की तौसीक करेंगे मैं उन दोनों को यहां से जाने दूंगा। अर्तुरुल साहब, किस सरदारी और ओहदे की बात कर रहे हो बहादुर? वो सरदारी जिसके लिए अपने भाइयों का खून बहाया तुमने, क्या तुम नहीं जानते
कुछ हासिल करने के लिए कुर्बानी लाजमी है। अपनी सरदारी के लिए जिरगा बुलाने का हक भी छीन लिया आपने मुझसे। हमारे खानदान से बाहर के शख्स को सरदार बनाकर हम पर मुसल्लत करना चाहा। कुछ नाफरमान लोग थे जो मारे गए इसलिए कि वो मेरी सरदारी के हक को कबूल नहीं कर रहे थे। और असलेहान खातून से वफादारी का दावा करने वाले सरदारान क्यों खामोश खड़े हैं? क्या आयरिस के हानली बाजार के लिए दिए गए सोने से जबाने बंद करवा दी है बहादुर साहब ने? जवाब चाहिए। आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल साहब? हम बिकाऊ माल नहीं। अकदार और ईमान का सौदा करने वाले बिकाऊ माल ही होते हैं। जाफदार का नाम मस्क किया आपने, उसका वकार रोंदा है। आलियार साहब का अजीम मकसद और कबीला तबाह किया है। अर्तुरुल साहब, अर्तुरुल साहब, मेरे औताक में मेरी मसनत पर बैठकर आप हद पार कर रहे हैं। मैं अपने सिपाही आपके साथ भेजकर जंग में शामिल होना चाहता था आपके साथ, मगर आप इल्जाम तराशी से बाज नहीं आ रहे। जंगों से हासिल होने वाले माले गनीमत को आप ऐरिस का सोना क्यों कह रहे हैं? अपने सरदारान की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। कबीले की रिवायात और अकदार का पास न रख के इन सरदारान ने दिखा दिया है कि ये कितने गिरे हुए हैं। तो आपको उन मंजनीकों की खुद हिफाजत करनी चाहिए थी। ऐरिस ने उन्हें आग लगा दी। हर दफा आप ऐरिस के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ और अपनी रियासत के साथ शामिल रहें। कबीले के हर शख्स को गवाह बनाते हुए मुझे सरदार कबूल करके ये मसला पुरअम तरीके से खत्म करें। सबसे पहले तुर्कुत और असलेहान खातून को यहां बुलवाओ। उसके बाद जमींदार ऐरिस के साथ गठजोड़ पर और रियासत से गद्दारी पर सजा का ऐलान करूंगा मैं। तुम्हारा सरदार पहुंच गया है यहां। शुक्र है अल्लाह का। कहां है अभी? ओताक में बहादुर साहब से मुशावरत में मसरूफ हैं। हाँ। अच्छा, मुशावरत क्यों, क्या हुआ? मुशावरत नहीं कर सकते क्या? तुम्हें यहां हमारी निगरानी करने के बजाय अपने सरदार का सर कलम होने से बचाना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। बहादुर साहब की सरदारी तुम्हारे सरदार को भी कबूल करना पड़ेगी और तुम दोनों को अपनी हद मालूम हो जाएगी।
वरना तुम दोनों का अंजाम बहुत ही विरतनाक होगा। काया देकिन, पहले भी बहुत आए काया देकिन जो हद बताना चाहते थे, लेकिन अपने खून से सिर्फ हमारी तलवार ही रंगीन कर सके। हम उनमें से बिल्कुल नहीं। क्या तुम अभी तक नहीं समझे दुर्गुत? हमारे लिए सारे जालिम एक जैसे हैं। फिक्र ना करो तुम, तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। तुम्हारा अंजाम भी उन जैसा ही होगा। अपनी जबान बंद करो वरना काट दूंगा। समझ गए मेरी बात? आप हमारे सरदार पर सरासर इल्जाम है। क्या मतलब है? इस मक्तूब में क्या लिखा है? हाली बाजार के सोने ने आप लोगों को अंधा कर दिया है। एरिस के साथ गठजोड़ करने वाले आदमी को चावदार कबीले का सरदार बना रहे हैं आप। किले का मुहासरा करने के लिए बनाई गई मंजनीकों को जलाने और मेरे सिपाहियों को शहीद करने का जिम्मेदार शख्स यही बहादुर है। एरिस के साथ रियासत के खिलाफ साजिशों में शामिल है ये आदमी। मेरे हाथ में मौजूद ये मक्तूब एरिस की जानिब से बादशाह को लिखा गया है, जिसमें इनके साथ की पूरी तफसील मौजूद है। गलत है, झूठ है ये। इस शख्स ने जो साजिशें रचाई हैं, उसमें मेरे यहां आने के रास्ते में मुझ पर हमला करवाना भी शामिल है। सब कुछ इस मक्तूब में तफसील से मौजूद है। ये जान लो कि माफी मांगने और रहम की दरखास्त भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तुम सब भी इस बहादुर की तरह गद्दारी करने पर सजा के मुस्तहिक हो। गलत है, यह सब इल्जाम है मुझ पर। यह मकतूब मनगढ़ंत है। अब झुटलाने का कोई फायदा नहीं बहादुर। किले में भी मेरा जासूस मौजूद है। अब तक की गई एरिस के साथ मिलकर तुम्हारी तमाम साजिशें एक एक करके आश्कार हो चुकी हैं। मैंने रियासत के साथ गद्दारी नहीं की, ना ही करूंगा कभी। लेकिन अगर तुम यही करते रहोगे तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। अपने अजदाद की नस्ल आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। कोई नहीं रोक सकता हमें ऐसा करने से। अजीम चावदार कबीले की इज्जत को दागदार किया है तुमने, और अब इसकी कीमत चुकाना होगी तुम्हें। संजार रुको! संजार! मेरे बेटे, अर्थुरुल हितुर के तहत कायम रहने की असल वजह है, वही असल ताकत है। उनकी हिम्मत बढ़ाने की असल वजह वही है। कबीले कमजोर है, अर्थुरुल के बगैर उनकी कोई हैसियत नहीं। अर्थुरुल जिस दिन मर गया, तुर्क कबाइल फना हो जाएंगे और हम मौके से फायदा उठाकर बासानी हमला करके उनका सत्यानाश कर देंगे। हानली बाजार का क्या होगा जनाब? उस पर भी कब्जा करने का वक्त आ गया है। हानली बाजार पर हमले की तैयारी भी आज रात करते हैं। तुर्कों को इस तरह एक और जर्ब लग जाएगी। हमले से वापसी पर सबको मेरी तरफ से जश्न की दावत है।
जनाब हमारे दो सिपाही लापता हैं। लापता होने का क्या मतलब है? हमने बहुत ढूंढा उन्हें लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। मैं खुद जाकर देखता हूं जनाब। मेरे बेटे को मार दिया तुमने, मैं तुम्हारा खानदान मिटा दूंगा, तुम्हारा पूरा कबीला जला दूंगा, तुम्हारी औलाद का सर अपने नेजों पर सजाकर तुम्हारे कबीले के बीच में गाड़ दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। तुम्हें तंबीह की थी मैंने कि तुम्हारा सर कलम कर दूंगा बहादुर, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। आपके हुक्म के मुताबिक चावदार कबीले का घेराव हो चुका है, पूरा कबीला हमारे इख्तियार में है, अब क्या हुक्म है आपका? बहुत खूब मेरे शेर, बहादुर के सिपाहियों के हथियार ले लो और बांध दो उन्हें। जो हुक्म आपका। जो हुक्म आपका भाई। बमसी, असलहान खातून और तुरगुत को यहां लेकर आओ। जो आपका हुक्म भाई। मैंने हलफ उठाया था कि हर जालिम का सर उसके तन से जुदा करके दम लूंगा, वैसे ही एक सर इस वक्त मेरी तलवार पर है, तो अब कोई और है जो मेरी तलवार का सामना कर सके? असलियान, तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था ना कि अपनी जबान बंद रखो। हाँ, मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? तुम्हारी किसी बात का पाबंद नहीं मैं। अब क्या जबान काटोगे? हाँ बिल्कुल काट दूंगा। मैं आ गया हूं भाई। चाबियां, चाबियां किसके पास है? शुक्र। लाशों की बदबू हमें यहाँ ले आई जनाब, कि हमें इसी हालत में यहाँ मिले। ऐसा कौन कर सकता है कोसस? कौन? ये सब अर्तुरुल का किया था जनाब। कैसे? तुम्हारा मतलब है किले में अब भी अर्तुरुल का कोई जासूस मौजूद है? जी जनाब। कौन हो सकता है कोसस? कौन? ढूंढ कर लाओ उसे। किले में हर एक से पूछताछ करो, हर सिपाही चाहे नया हो या पुराना, यहाँ तक के बाहर रहने वाली आवाम से भी। मुझे वो आदमी चाहिए। जैसा आपका हुक्म जनाब। हाँ।
तुमने इसे मारकर हमें छुड़ा लिया भाई। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। भाई तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है, कैसे नहीं छुड़ा था मैं। भाई ने काम तमाम कर दिया उस बहादुर का। बिल्कुल कर दिया भाई, सर उतार दिया उसका। अस्तेहान खातून को खोल दो और ताक में चलते हैं, अर्तुरुल भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुर्गुत, तुम रास्ते की निगरानी करने वाले लश्कर को पैगाम भेजो, जब तक हम किले पर अपना परचम नहीं लहराते कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसकी तरफ से है जनाब? तीतान, अर्तुरुल मर चुका है कोसस। हमारी होगी, भाग गए तुम, भाग गए। यही मैदान में जश्न का एहतमाम करो। हमें तीतान के अजीम कारनामे पर उसका इस्तकबाल करना है। वो एक अजीम इस्तकबाल का हकदार है।